हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो ये कंट्रोल सिस्टम का 18th लेक्चर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख, क्वेश्चन नंबर 216 बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ यूजिंग जनरलाइज एरर कोफिशियंट। और तीन ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है विच वन ऑफ द करेक्ट। देखिए, फर्स्ट में बोल रहा है द जनरलाइज एरर कोफिशियंट प्रोवाइड ए सिंपल वे ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम टू ऑलमोस्ट एनी आर्बिट्री इनपुट। सेकेंड में बोल रहा है द जनरलाइज एरर कोफिशिएंट लीड टू कैलकुलेशन ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग द सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड थर्ड है द जनरलाइज एरर कोफिशिएंट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग द वेरियस टाइप ऑफ इनपुट। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए, जनरलाइज इसका मेन ड्रॉबैक क्या होती है, जो भी केपी केबी और के निकालते हैं वो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा आपको। देन स्टेप रैंप और पैराबोलिक के सिवा अगर दूसरा अगर इनपुट देते हैं तो ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। और फिर क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्ट मैनर में हम लोग एरर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, टाइम के साथ आपको कैफे चेंज हो रहा है एरर वो नहीं बता पाता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर थर्ड नंबर देखिएगा तो जनरलाइज एरर कोफिशिएंट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग द वेरियस टाइप ऑफ इनपुट, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ जो भी रिलेशनशिप रहता है ओनली तीन ही सिग्नल के लिए रहता है, एक स्टेप के लिए रहता है और एक रैंप के लिए और एक पैराबोलिक के लिए, ये तीन ही के लिए रहता है। वेरियस टाइप ऑफ इनपुट मतलब इससे ज्यादा के लिए नहीं रहता, इसके ज्यादा अगर कोई भी होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी स्टेडी स्टेट एरर नहीं देगी। यानी ऑप्शन नंबर थ्री आपका यहाँ पे रॉन्ग है। अगर थ्री रॉन्ग है तो ये वाले रॉन्ग हो जाएंगे, ये वाले भी रॉन्ग हो जाएंगे, ये वाले भी रॉन्ग हो जाएंगे, यानी यहाँ पे कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 बोल रहा है, फॉर ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विद फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जीएफ इक्वल टू के अपॉन एफ प्लस 5, व्हाट इज द एरर ट्रांसफर फंक्शन WEF यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एरर कोफिशिएंट। यहां पूछ रहा है एरर ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होगा। तो मान लीजिए ये आपका RF है, अब यहां आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी, इसी को बोल रहा है WEF। देखिए, एरर ट्रांसफर फंक्शन, तो आप एरर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगी, यही। और एरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनपुट में फिर ये माइनस हो रही आकर, मतलब लिख सकते हैं RF माइनस CF अपॉन RF, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस CF अपॉन RF। ये क्या आपको दिख रहा है, ये इनपुट और आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन है ये, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, CF बाई RF को, अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, GF अपॉन 1 प्लस GF HF। इसको कितना लिख सकते हैं, जीएस दिया हुआ है आपका के अपॉन एफ प्लस फाइव और एचएफ का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ पे आप ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा के अपॉन एफ प्लस फाइव प्लस के, ये आ गया, ये आपका सी एफ बाई आर एफ का वैल्यू आया है। अगर यहाँ आप इसको भर देते हैं कितना हो जाएगा, 1 माइनस के एफ प्लस फाइव प्लस के, अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिल जाएगा, f प्लस फाइव और डिनोमिनेटर में आ जाएगा f प्लस फाइव प्लस k, यानी यही आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, एरर ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ एरर ट्रांसफर फंक्शन ही पूछ रहा था तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका c इज द करेक्ट आंसर। 218 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम विथ स्टेप एरर रैम्प एरर पैराबोलिक एरर कॉन्स्टेंट के पी के बी एंड के रिस्पेक्टिवली फॉर द इनपुट
इनपुट दिया है और पूछ रहा है कौन सा एरर होगा। देखिए हम लोग स्टैंडर्ड एरर क्या जानते हैं कि कोई भी केपी निकालना हो या केवी निकालना हो के निकालना हो, हम लोग जानते हैं कि अगर स्टेप दिया हुआ हो तो क्या निकालते हैं, केपी निकालते हैं। रैंप दिया हो तो केवी निकालते हैं और पैराबोलिक दिया हो तो के निकालते हैं, ये तीन निकालते हैं हम लोग। अब देखिए केपी अगर स्टेप आपका इनपुट हो तो एरर क्या होती है यहाँ पे, वन अपॉन वन प्लस केपी, और स्टेप का मतलब क्या है यूटी हो तो, रैम का मतलब टी यू टू या आर टी हो तो, और पैराबोलिक का मतलब क्या है टी स्क्वायर बाई टू यूटी हो तो, ये तीन सिग्नल हो तो निकालते हैं हम लोग। इसके लिए वन अपॉन के भी, इसके लिए वन अपॉन के। अब देखिए ये यहां आपको कितना मिल रहा है, दिख रहा है कोफिशिएंट में वन, अगर यही ए रहता तो एरर आपका क्या हो जाता, ए अपॉन वन प्लस के पी। अगर यहां भी ए रहता इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी हो जाता है ए अपॉन के भी। अगर यहां भी ए रहता इस फॉर्मेट में तो यहां भी हो जाता आपका ए अपॉन के। अब देखिए यहां दिया हुआ है इनपुट, तो आपको इनपुट क्या दिया हुआ है, वन माइनस टी स्क्वायर थ्री यू टी, इसको अगर एक्सपेंड कीजिएगा तो कितना होगा, थ्री यू टी माइनस टी स्क्वायर थ्री टी स्क्वायर यू टी। ये देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, स्टेप की जैसा, ये स्टेप इनपुट जैसा है, और ये कैसा दिख रहा है आपका, अगर यहाँ टू से डिवाइड कर दे और टू से मल्टीप्लाई कर दे, अगर टू से डिवाइड कर देंगे तो पैराबोलिक का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस सिक्स बाई टू टी स्क्वायर यू टी, और ये कैसा है पैराबोलिक जैसा, अब देखिए स्टेप का एरर क्या होती है, वन अपॉन अगर ये थ्री है तो थ्री आता है ऊपर में, ये देख रहे हैं थ्री वन प्लस के पी, अगर इसके लिए लिखिएगा तो कितना आएगा, देखिए ये तो आपका स्टैंडर्ड है, ये जो है टू से ये तो स्टैंडर्ड है, तो यहाँ फिक्स अपॉन और पैराबोलिक के लिए क्या आता है के, तो आपका कौन सा यहाँ से ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आपको ये देखिए कि यहाँ कोई भी कोफिशियंट हो ऊपर आता है, जैसे ए इसमें भी लिखा हुआ है, ऐसे नॉर्मली आप देखिएगा तो ये वन बाई वन प्लस के पी लिखता है, वन का मतलब है यूनिट स्टेप, अगर यहाँ भी वन है तो यूनिट रैंप, यहाँ भी वन है तो यूनिट पैराबोलिक, अगर यूनिट नहीं है तो आपको कुछ कोफिशियंट होगा वो कोफिशियंट का वैल्यू यहाँ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 219, बोल रहा है द मेजरमेंट सिस्टम शोन इन द फिगर यूजेस थ्री सब सिस्टम इन कैस्केडेड हुज गेन आर स्पेसिफाइड एज g1 g2 एंड 1 बाय g3 द रिलेटिव स्मॉल एरर एसोसिएटेड विद ईच रिस्पेक्टिव सब सिस्टम g1 के साथ e1 है, g2 के साथ e2 है और g3 के साथ e3 है, द एरर एसोसिएटेड विद द आउटपुट ईच। तो यहां देखिए अगर ये इंडिविजुअल एरर दिया हुआ है कि g1 के साथ आपका कितना है e1 है, g2 के साथ e2 है और g3 के साथ e3 है, और देखिए किस टाइप का एरर दिया है, रिलेटिव एरर, ये देखिए रिलेटिव है, रिलेटिव एरर कहने का मतलब क्या होता है, जब भी रिलेटिव एरर कहे तो d g1/g1 बोलते हैं, इसको d g2/g2, इसको d g3/g3, ये तो इंडिविजुअल है, अब बोल रहा है एक में हम सारे कंबाइन कर दे रहे हैं तो आउटपुट का एरर कैसा होगा। तो मान लीजिए आउटपुट बाय इनपुट कितना हो जाएगा,
अगर ट्रांसफर फंक्शन जैसा देखिएगा तो ये तीनों क्या है, कैस्केडेड में है, आपको मिल जाएगा G1 G2 1 बाई G3 को ओवरऑल हम G मानते हैं, ओवरऑल गेन क्या है आपका इतना। अब देखिए अगर लॉग लेते हैं आप दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, LNG1 LNG2 ये नीचे है तो क्या होती है माइनस होती है माइनस LNG3। अब इसको डेरिवेटिव कर देते हैं G के रिस्पेक्ट में तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, LNX का डेरिवेटिव क्या होता है X के रिस्पेक्ट में 1/x होती है, तो उसी तरह अगर LNG का कीजिएगा तो कितना होगा 1/g, इधर कीजिएगा तो 1/g1 इंटू DG1/g और इसका कीजिएगा तो 1/g2 DG2/dg और माइनस 1/g3 DG3/dg। अब देखिए ये जो dg है सारे में डिनोमिनेटर में इधर ले लीजिए तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा DG/g इधर होगा DG1/g1 प्लस DG2/g2 प्लस DG3/g3। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो मान लीजिए ये आपका एरर हो गया और इसका वैल्यू दिया हुआ है रिलेटिव एरर G1 के साथ कितना है E1, G2 के साथ E2 और G3 के साथ, सॉरी ये माइनस आएगा E3, यानी आपका आउटपुट का ओवरऑल एरर क्या हो रहा है E1 प्लस E2 माइनस E3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 220 बोल रहा है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय, दिया हुआ है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ये आप देखिए सिस्टम कैसा दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 5/1 + 0.1f f × 1 + 5f 1 + 20s इतना दिया हुआ है। अब देखिए ये वाले ओरिजिन पे कितने पोल है, एक पोल है, एक पोल मतलब टाइप वन सिस्टम है। अब टाइप वन सिस्टम के लिए कौन सा एरर आपको मिलेगा, रैम इनपुट अगर अप्लाई कीजिएगा आप इस टेबल में देखिए तो ही आपको एरर मिलेगा, नहीं तो एरर नहीं मिलेगा। आपको यहां दिख रहा होगा कि रैम इनपुट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ही आपको एरर मिल रहा है। तो आप देखिए यहां पूछ रहे द स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट of magnitude 10 is equal to 0। अगर देखिए टाइप 1 के लिए आप यहाँ देखिएगा टाइप 1 के लिए इनपुट अगर स्टेप रह रहा है तो एरर कितना मिलता है 0, यानी ये सही बोल रहा है, ये करेक्ट है बोल रहा है 2 में द स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इज 2। अब देखिए रैम का निकालते हैं, रैम के लिए देगा, रैम के लिए पहले के भी निकालना होगा, के भी कैसे निकालते हैं f × gf hf, ये आपका क्या है gf है, यूनिटी फीडबैक है तो hf आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे के भी क्या निकाल सकते हैं 1/0.1f f × 1 + 5f 1 + 20f। देखिए ये f से f कैंसिल, ये लिमिट s टेंस टू 0 है, अब 0 भरिएगा f, ये 0 ये 0 ये 0, आपको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, क्या होती है a/kb, हम बोले थे कि जो मैग्नीट्यूड रहता है उसको लेते हैं तो 10/5 कीजिएगा तो कितना होगा 2, यानी 2 ही बोल रहा था कि 2 एरर आएगा अगर रैंप इनपुट देते हैं तो, यानी 2 भी आपका करेक्ट है। अब 3 बोल रहा है द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द एक्सेलरेशन इनपुट द मैग्नीट्यूड 10 इज इनफिनाइट। अब देखिए एक्सेलरेशन मतलब क्या, आपको पैराबोलिक में देखना है, आपको पैराबोलिक में देखिएगा तो टाइप 1 सिस्टम है, ये टाइप 1 सिस्टम है,
टाइप वन में अगर पैराबोलिक के लिए देखिएगा तो एरर कितना मिलता है, इनफिनाइट, यानी ऑप्शन नंबर थ्री भी आपका करेक्ट है, यानी 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 221, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज 10 अपॉन एस प्लस 1, द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल व्हेन ऑपरेटेड एज यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज। तो यहां देखिए एक एफर्ट टाइप है इसका 10 अपॉन एस प्लस 1 है, तो यहाँ ओरिजिन पर कितना पोल आपको दिख रहा है, कोई भी पोल नहीं है, यानी जीरो, ओरिजिन पर जीरो पोल है, तो यह कैसा टाइप है, टाइप जीरो सिस्टम है। और टाइप जीरो सिस्टम को यहाँ देखिए, टाइप जीरो सिस्टम में अगर इनपुट आपका स्टेप रहे तो एरर मिलती है, तो यहाँ बोल भी रहा है कि हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं कि इनपुट में यूनिट स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिट स्टेप के लिए एरर क्या होती है, 1/1 KP, यूनिट बोल रहा है इसलिए यहाँ 1 आया है, अगर यूनिट नहीं बोलता तो यहाँ पे ए आता है, यानी जितनी मैग्नीट्यूड होती वो आता। तो केपी कैसे निकालते हैं, अब केपी निकालते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एफ एच एस, आपको दिया हुआ है 10 एफ प्लस 1 और एच एफ का वैल्यू 1, अगर एस टेंस टू जीरो भरिएगा तो ये आपको कितने मिल जाएगा, 10, तो आपको एरर हो गया 1/1 + 10, यानी कितना हो जाएगा, 1/11, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 222, ए ट्रांसफर फंक्शन है 0 एट f इक्वल टू -1, 0 दिया हुआ है एक f इक्वल टू -1 पे, इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, f प्लस 1, और बोल रहा है कि पोल दिया हुआ है f इक्वल टू -1 + -j1, द मल्टीप्लायर being unity if the unit is unit step function the steady state response is given by, steady state response पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पोल दिया हुआ है f equal to -1 + -j1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, f plus 1 minus plus j1, ये लिख सकते हैं। अगर पोल और जीरो पता हो गया तो आप ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, तो आपको ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऊपर जीरो लिखते हैं हम लोग तो f प्लस 1, और नीचे क्या लिखते हैं पोल लिखते हैं, तो आपका दो पोल हो गया, एक -j1 के साथ एक +j1 के साथ, यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप f प्लस 1 -j1 और f प्लस 1 +j1, दो पोल। देखिए ये इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो यानी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो गया एफ प्लस वन का स्क्वायर माइनस जे वन का स्क्वायर, अगर इसको यहाँ लिखिएगा तो कितना आएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन आपका। और यहाँ इनपुट कैसा दिया हुआ है, स्टेप दिया हुआ है, तो इनपुट अगर स्टेप दिया हुआ है तो उसका कितना होता है, लैपलास 1/f। अब स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होती है, स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्स अगर निकालना हो तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम बोलते हैं लिमिट s टेंस टू जीरो f इंटू cf, ये लिखते हैं। ये जो ट्रांसफर फंक्शन आपका आया है ये क्या होती है, cf अपॉन RF, अगर यहाँ से CF निकालिएगा तो आपको क्या होगा, RF के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी ट्रांसफर फंक्शन है, तो F इंटू RF के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/f, और जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है F प्लस 1 अपॉन F स्क्वायर प्लस 2F प्लस 2, ये F से F आपका कैंसिल हो जाएगा, ये लिमिट S टेंस टू 0 है, S के जगह पर जीरो भरिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, ऊपर में 1 मिलेगा और नीचे में भरिएगा तो 2 मिलेगा, यानी 1/2, इसको कितना लिख सकते हैं, 0.5 एंगल 0 डिग्री, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 223 बोल रहा है, फॉर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फॉरवर्ड
path transfer function is given by, दिया हुआ है the steady state error of the system for the input, इतना के लिए क्या होगा? तो आप देखिए ये किस टाइप क्या है, इस सिस्टम का टाइप ओरिजिन पे कितने पोल हैं आपको दिख रहा होगा, एक यानी टाइप वन है। अब टाइप वन में देखिए अगर स्टेप इनपुट रहा तो एरर जीरो हो जाती है, रैंप रहा तो वन अपॉन के भी, अगर पैराबोलिक रहा तो कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो अब देखिए ये सिग्नल कैसा है इनपुट में, 5t2/2, हम बोले थे t2/2 को पैराबोलिक बोलते हैं, तो पैराबोलिक है, अगर पैराबोलिक इनपुट है तो एरर कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी, निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए 224, ए सेकंड ऑर्डर पोजीशन कंट्रोल सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के विल रिजल्ट इन स्टेडी स्टेट एरर ऑफ 1 डिग्री व्हेन द इनपुट शाफ्ट रोटेट एट 10 rpm। बोल रहा है कि इनपुट शाफ्ट को हम 10 rpm पर रोटेट करते हैं, उसका स्टेडी स्टेट एरर 1 डिग्री है, तो के का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे GFHF कितना है, आपको GFHF 57.3 K/f × f+10 और HF का वैल्यू 1 है क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 लेना है। अब एरर दिया हुआ है आपका कितना, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एरर दिया, 1 डिग्री एरर दिया हुआ है, और किस के लिए, यह टाइप कैसा है, टाइप वन है। टाइप वन के लिए एरर मिलती है किस इनपुट के लिए, तो आपको रैंप इनपुट के लिए मिलती है, तो इनपुट जो होगा रैंप के फंक्शन होगा, आप यहां पे देख सकते हैं। तो आप यहां देखिए आपको इनपुट बोल रहा है, देखिए इनपुट शाफ्ट रोटेट है 10 rpm, कितना दिया है 10 rpm, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π n, मैकेनिकल में यही रहती है, जैसे इलेक्ट्रिकल में 2πf लिखते हैं उसी तरह मैकेनिकल में 2π n लिखते हैं, यानी 2π n जो रहती है सेकंड में होती है, जैसे रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, यहाँ रहती है रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो कितना 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको ना पड़ेगा, इसको कितना लिख सकते हैं 20π/60 यानी 1/3π रेडियन पर सेकंड में आ गया। अगर इसी को डिग्री में आपको चेंज करना है तो डिग्री में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री को डिग्री में कितना लिख सकते हैं, पाई मतलब 180 degree/3 यानी 60 degree, इनपुट में आपका कितना हो गया 60 degree हो गया। और टाइप वन के लिए एरर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, कौन सा कांस्टेंट, के भी इक्वल टू क्या होती है, लिमिट s→0 f × GFHS, GFHS का वैल्यू कितना है 57.3 K/f × f+1 यही लिखा हुआ है। अब ए एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के वी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 57.3 K/10, ये मिल गया आपको के वी। एरर हम लोग क्या जानते हैं, 1/kV यही होती है, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 1 डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री आपका एरर है, तब कीजिए इसको तो आपको मिल जाएगा या 10/57.3 K = 1 डिग्री। अब देखिए जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे थे वो कितना कर रहे थे 60 डिग्री, और किस तरह का इनपुट है, रैंप, इसलिए के भी निकाल लेते हैं, अगर रैंप में इसको लिखिएगा TUT इस तरह लिखना पड़ेगा, हम बोले कि ये रैंप रहती है, ये यूनिट रैंप रहती है, तो आपको 1/kV लिखते हैं, अगर उसका कुछ मैग्नीट्यूड रहता है तो कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो ये कितना होगा 60/kV, अगर उसी तरह ये लिखिएगा तो ये आपको कितना आएगा 60। यहाँ पे अगर के निकालते हैं आप
तो के आपको कितना मिल जाएगा, 60 अपॉन 5.73 इजकल टू के, और के इजकल टू आ जाएगा 10.47, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पहले नंबर करना क्या है कि टाइप पता करना है। अब टाइप वन मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरर दे रहा है, यानी इनपुट कैसा होना चाहिए, रैंप होना चाहिए। आप रैंप को कैसे लिख सकते हैं, TUT, जो भी सिग्नल आएगा। अब कितना वो इनपुट है, तो यहाँ RPM में दिया हुआ है। अगर RPM में दिया हुआ है तो पहले नंबर उसको कहाँ डिग्री में ले जाना है, तो RPM से पहले हम रेडियन पर सेकेंड में ले आए और वहां से फिर डिग्री में ले आ लिए इनपुट, और के भी निकाल कर आप इस तरफ निकाल सकते हैं क्या के का वैल्यू। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 225 बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ क्लोज लूप पोल ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। बोल रहा है फर्स्ट में पोल ऑन जे ओमेगा एक्सिस विल मेक द आउटपुट एम्पलीट्यूड नाइदर डिकेइंग नॉर ग्रोइंग इन टाइम। देखिए जे ओमेगा एक्सिस पे अगर कोई भी पोल है तो हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, अनडैम का बिहेवियर कैसा रहता है, ये कभी भी सेटल ही नहीं होगा। यानी ये बोल रहा है नाइदर डिकेइंग नॉर ग्रोइंग विथ टाइम, ये क्या अनडैम करते रहे, ना डीके हो रही है। डीके मतलब क्या कि मान लीजिए इधर बड़ा था, छोटा होते गया फेटल हो गया, और ग्रोइंग मतलब कि पहले छोटा था, बड़ा होगा, मगर इसमें नाइदर ग्रोइंग और नॉर डिकेइंग, यानी ये आपका क्या है, करेक्ट है। देखिए टू में है डोमिनेंट क्लोज लूप पोल ऑकर्स इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर। देखिए डोमिनेंट पोल होती क्या है, डोमिनेंट पोल हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो लेते हैं रियल पार्ट का, अगर वो 5 से ज्यादा हो जाए, देखिए द रेशियो ऑफ रियल पार्ट एक्सीड 5, तो क्या उसको बोलते हैं डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब डोमिनेंट क्लोज लूप पोल ऑकर्स इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और 3 बोल रहा है द गेन ऑफ हायर ऑर्डर सिस्टम इज ऑफ्टन एडजस्टेड फॉर दैट देयर विल बी एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ डोमिनेंट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्लोज लूप पोल, यानी आपका 3 भी राइट है। और 4 द प्रेजेंस ऑफ सच पोल इन अस्टेबल सिस्टम रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सच नॉनलीनियरिटी डेड जोन बैकलैश एंड कूलम्ब फ्रिक्शन। हायर ऑर्डर सिस्टम यहाँ बोल रहा था, हायर ऑर्डर सिस्टम क्या होती है कि 2 से ज्यादा अगर क्लोज लूप पोल हो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर सिस्टम। ये डायरेक्टली एक बुक का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में ये EFE में आया हुआ है, ओगाटा का कंट्रोल सिस्टम का बुक है, ये 3 स्टेटमेंट वहां से एकदम दिया हुआ है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी 4 आपका करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।